मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ कक्षा में हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने 3.2 प्रश्नावली का पहला सवाल देख लिया था। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे इस तरह से वाई अक्ष रेखा और एक्स अक्ष रेखा प्रतिच्छेद की हुई है। ये मूल बिंदु है, कल बताया था। इसके चार भाग बनते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, और इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0। अब यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, इसमें देखो इधर अक्षक्ष रेखा पर इधर प्लस की हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस का 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का जाएगा हमारे पास 2 3, माइनस के 4, माइनस के 5। इस तरह से ये एक दोनों रेखाएं दे रखी है जिसमें बिंदु ये अंकित है। सबसे पहले यहाँ पे बी बिंदु को अंकित किया गया है, यहाँ पे बी बिंदु है। पहला प्रश्न हमारे पास इसमें यह है कि बिंदु बी के निर्देशांक लिखना है, बी के निर्देशांक। तो बी बिंदु, अब निर्देशांक कैसे आपको देखना, ध्यान से देखें। सबसे पहले अक्षक्ष रेखा पर देखना है, ये अक्षक्ष रेखा है और ये वाई अक्ष रेखा है, जिसको हम इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। अक्षक्ष रेखा पर सबसे पहले बी बिंदु देखना है आपको कि बी बिंदु कहाँ है अक्षक्ष रेखा के सामने। तो अक्षक्ष रेखा ये बी यहाँ पे, तो यहाँ से बी का मान देखते हैं। बी का मान ये रहा, बी अक्षक्ष रेखा पर -5 पर आ रही है। पहले आपको अक्ष का मान देखना है, कोमा, फिर बी है वाई की तरफ कहाँ टच होगी, तो यहाँ देखते हैं 2 पर, तो -5 और 2 जाए। उसके बाद में दूसरा सवाल इसमें जो आ रहा है वो देखें, सी की निर्देशांक। पहले सी बिंदु दर्शाते हैं, सी बिंदु यहां देखना, यहां पे सी बिंदु, तो सी के निर्देशांक लिखेंगे दूसरा सवाल लगा के, सी के निर्देशांक। सी पर पहले एक्स वाली लाइन पर चलते हैं और फिर सी एक्स वाली रेखा की कहां स्पर्श करता है, कहां सामने है वो देखते हैं। तो यहां देखिए सी ये रहा, तो ये प्लस के 5 आ जाएंगे, कोमा, फिर सी वाई वाली पे देखते हो, सी यहां है, वाई वाली रेखा इधर है, सी से इधर है बाई तरफ, तो बाई तरफ वाई वाली ये है और ये सी को यहां टच करेगा -5 पर। तो ये ओके। नेक्स्ट निर्देशांक थर्ड, निर्देशांक -3 और -5, यानी x का मान -3 है, y का मान -5 है, द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब आपको -3 और -5 को देखना है। पहले अक्ष वाली लाइन पे तो -3 देखेंगे, तो अक्ष वाली लाइन पे ये अक्ष वाली लाइन है, -3 ये रहा यहाँ, उसके बाद -5 देखते हैं, तो वाई वाली लाइन पे आप -5 देखोगे तो ये रहा, इस दोनों को सामने करेंगे तो यहाँ आएगा इस तरह से,
यहाँ पे इस तरह से इसमें दे रखा है बिंदु, देखते हैं हम अपने ग्राफ में -3 और -5 पे देखें तो ई बिंदु लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बिंदु ई। सवाल चौथा भी इसी तरह से है, चौथा सवाल है इसमें निर्देशांक -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। जिस तरह से आपने ई बिंदु खोजा है वैसे ही 2 और -4 बिंदु के लिए, तो प्लस का 2 है एक्स का मान, प्लस का 2 है ये रहा, फिर माइनस का 4 है, तो आप नीचे आएंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ डेस लगा देना, यहाँ डेस, और यहाँ पे बिंदु दे रखी है हमें जी, इसके आगे जी बिंदु बना देंगे। उसके बाद अगला सवाल है इसमें डी का भुज, डी का भुज। अब यहाँ पे सबसे पहले डी ढूंढना है, भुज और कोटी मैंने आपको बताया था, भुज एक होता है कोटी, यानी कि भुज यानी अक्ष का मान देखा है, निर्देशांक में अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं और निर्देशांक में वाई के मान को हम कोटी कहते हैं, ये आपको याद रखना है भुज और कोटी। अब यहाँ पे डी का भुज पूछ रहा है, तो डी बिंदु देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ये डी बिंदु है। अब आप ध्यान रखना यहाँ पे, तो यदि आपसे भुज का मान पूछे तो भुज का मान तो यानी अक्ष का मान देख लो इसमें, तो अक्ष का मान तो इसमें 6 है, यानी भुज का मान तो 6 हो जाएगा, जबकि कोटि यानी वाई का मान देखना है तो वाई वाली में यहाँ आ रहा है डी, यहाँ डी बिंदु से हम वाई की तरफ चलेंगे तो 2 पर आ रहा है, तो यहाँ डी का भुज पूछ रहा है, कोटि नहीं पूछ रहा है, भुज पूछे तो 6 आ जाएंगे और कोटि पूछे तो 2 आ जाएंगे, तो डी का भुज बराबर 6। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं, तो बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की अब कोटि पूछ लिया हमसे, तो भुज और कोटि यानी अक्ष और वाई का मान, एच बिंदु को पहले हम दर्शाते हैं, यहां पे इधर -3 पर है, इधर -5 पर है, तो हमसे कोटि का मान पूछ रहा है यानी वाई का मान पूछ रहा है, तो y का मान तो होगा इसमें -3, ये h बिंदु है यहाँ पे, फिर y का मान लिखेंगे हम यानी कोटि का मान लिखेंगे तो -3। नेक्स्ट बिंदु l के निर्देशांक, सेवंथ सवाल है इसमें, बिंदु l के निर्देशांक, पहले l बिंदु लगाते हैं हम, एल यहां लगा हुआ है, ये रहा यहां पे एल है, तो एल का मान पहले तो हम निर्देशांक पूछा है तो पहले एक्स का मान देखना है, तो एक्स वाली लाइन पे ये लाइन है, इस पर एल यहां है, तो हम नीचे एक्स वाले पे लाएंगे तो यहां 0 पे आ रहा है यानी मूल बिंदु पे आ रहा है, तो एक्स का मान यहां पे 0 हो जाएगा, और वाई का मान देखते हैं तो एल यहीं पे है, ये 5 पर है, तो इसे वाई का मान देखते हैं तो ये कोटी पर है और वाई एक्स रेखा पर है, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 5, 0 और 5। एक बात ये भी ध्यान रखना, यदि ऐसे निर्देशांक आते हैं जिनमें किसी भी यानी अक्ष अक्ष या वाई अक्ष भुज या कोटि में से एक चीज को आपको शून्य दे रखा है, एक चीज एक संख्या शून्य है, यानी कि यदि भुज शून्य है तो वो हमेशा वाई पर होगी, यानी जिसका मान दिया हुआ है ना, इसमें किसका मान दिया हुआ है, देखो अक्ष का तो 0 है, वाई का 5 है, तो यहाँ केवल वाई का मान ही हमें दिख रहा है, तो ये वाई अक्ष पर स्थित होगी। इसी तरह से मान लो हमारे पास आ गया 5 और 0 है, इसमें अक्ष का मान और वाई का मान, तो ये अक्ष अक्ष रेखा पर स्थित होगी, इस तरह से ये होगी। अगला सवाल इसमें है
बिंदु M के निर्देशांक अंतिम है, बिंदु M के निर्देशांक M बिंदु को दर्शाते हैं पहले, और M बिंदु यहां पे है अपना M, तो M वाली में अक्ष का मान देखते हैं, तो अक्ष का मान तो -3 हो जाएगा, और y वाले पे लेते हैं तो यहाँ से y वाले पे जाते हैं तो मूल बिंदु पर जा रहा है, तो ये 0 -3 और इस तरह से ये हमारे पास 3.2 प्रश्नावली ये कंप्लीट होती है। इसमें दो ही सवाल थे, एक कल बता दिया था, एक आज बता दिया। अब उसके बाद में 3.3 प्रश्नावली है, इसमें हमारे पास एक ही सवाल है, दो सवाल हैं, देखिए ध्यान से इनको। 3.3 प्रश्नावली में चलते हैं, सबसे पहले इसमें जो सवाल दे रखा है ध्यान से देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, आपको देखना -2 4 3 और -1 -1 और 0 1 और 2 -3 और -5, आपको ये बताना है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इनके भाग लिखने हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो सबसे पहले हल लगाएंगे और -2 और 4 निर्देशांक। अब यहाँ देखना है ये एक प्लस माइनस का है, दूसरा प्लस का है, मैंने आपको कल बताया था, जिसे ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम में हमेशा दोनों ही प्लस के होते हैं, फिर सेकंड में हमारे पास होते हैं पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तृतीय में दोनों ही माइनस के होते हैं, और चतुर्थ में हमारे पास होते हैं एक प्लस का होता है फिर माइनस का, ये मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था। अब इसके अनुसार, इसके अलावा यदि कोई जीरो आ जाता है, वो अभी बताया था आपको, जीरो आ जाता है, एक संख्या जीरो आ जाएगी जैसे इसमें आ रही है, तो इसमें आपको देखना है मान किसका दिया हुआ है, जैसे अक्ष का मान दिया हुआ है, वाई का मान है नहीं, जीरो है, तो जीरो का मतलब है नहीं वाई का मान, तो यहाँ पे अक्ष का दिया है, तो ये अक्ष अक्ष पर स्थित होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं -2 4 निर्देशांक, माइनस और प्लस, पहले माइनस का फिर प्लस, द्वितीय में आ रहा है, देखो ये रहा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी तरह से फिर दूसरा है तथा 3-1 निर्देशांक, 3 और -1 प्लस का फिर माइनस का, तो प्लस और माइनस चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तथा यहां देखिए तीसरे को निर्देशांक -1 और 0, इसमें केवल अक्ष का ही मान दिया हुआ है, तो ये अक्ष अक्ष रेखा पर स्थित होगा। इसके तथा निर्देशांक 1 और 2, 1 और 2 को देखते हैं तो दोनों प्लस के हैं, तो ये प्रथम में चतुर्थांश में स्थित
अंतिम है हमारे पास तथा माइनस तीन और माइनस पांच, ये देखिए यहाँ पे दोनों माइनस के, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में आगे देखो इसी सवाल में क्या बोल रहे हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है या फिर ग्राफ का पेपर लेना है और उसमें इस तरह से आप लोग एक्स अक्ष रेखा और वाई अक्ष रेखा को प्रतिच्छेद करवाओगे। उसके बाद में यहाँ जीरो लगा देना है, इधर एक दो तीन चार पाँच, इधर माइनस का एक दो तीन माइनस चार, इधर प्लस का एक दो तीन चार पाँच, इधर फिर माइनस का हो जाएगा एक दो तीन चार और पाँच। अब अपने उत्तर का सत्यापन है, यहाँ इन बिंदुओं को दर्शा दोगे तो हो जाएगा, जैसे माइनस दो और चार, तो माइनस दो यानी अक्ष का मान माइनस दो है, यहाँ से अक्ष का मान माइनस दो पर जाएंगे, फिर चार है तो प्लस के चार, वाई का मान यहाँ आने के बाद प्लस का चार है तो ऊपर जाएंगे आप, ये रहा, यहाँ पे बिंदु ए लगा देना या फिर माइनस दो और चार लगा देना, ये रहा। अब आपको मैंने यहाँ माइनस दो और चार के निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ये द्वितीय रहा, आप इसमें लिख देना प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ, ये अपने आप सत्यापन हो जाएगा। इसी तरह से तीन माइनस एक को दर्शाना है तो प्लस के तीन है पहले, एक्स का मान प्लस के तीन है यहाँ आगे, फिर माइनस का एक है तो माइनस का एक नीचे आएंगे हम, ये रहा यहाँ पे तीन और माइनस का एक, इस तरह से हो जाएगा, देखो चतुर्थ लिखा था इस तरह से, बाकी ये अन्य भी आप लोग दर्शा दोगे। उसके बाद में हमारे पास अंतिम से सवाल बचता है, उसको ध्यान से देखें, ये कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली आज। दूसरा सवाल आ रहा है, इसका अंतिम सवाल है, अक्षों पर दूरी का उपयोग एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित, यानी कि आपको एक उचित पैमाना लेकर स्केल लेकर इन दूरियों को आपको दर्शाना है। इसके लिए वही सिस्टम रहेगा, या तो ग्राफ का पेज होगा या फिर आप लोग इस तरह से कच्चा चित्र बना सकते हो, और ये मूल बिंदु है अपना, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, इधर माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन और माइनस का चार हो जाएगा, इधर प्लस का एक दो तीन चार पाँच, इधर फिर माइनस का एक माइनस के दो तीन माइनस के चार और माइनस का पाँच, इस तरह से दर्शा दो। आपको यहाँ पे एक सारणी दी हुई है अक्ष और वाई, इस सारणी को ध्यान से देखें, माइनस दो माइनस एक जीरो एक तीन एक और तीन, इस तरह से ये सारणी दी हुई है हमें। वाई का निर्देशांक दे रखा है इसमें आठ सात माइनस का एक पॉइंट दो पाँच तीन और माइनस का एक। अब सबसे पहले यहाँ पे हम निर्देशांक बनाते हैं, तो यहाँ निर्देशांक बनेगा माइनस दो और आठ, पहला ये पूरा ऐसा कैसा लेना है आपको, पहले एक्स का फिर वाई का, दूसरा निर्देशांक माइनस एक और सात, तीसरा जीरो और माइनस का एक पॉइंट दो पाँच, चौथा एक और तीन, और पांचवा है तीन और माइनस का एक। इनको आराम से आप लोग दर्शा सकते हो, जैसे यहाँ पे हम पैमाना लेंगे तो पैमाना हमारे पास होगा, पैमाना एक बड़ा खाना, बड़ा खाना ये इस तरह से बॉक्स बनते हैं, इसमें ऐसे इसको बड़ा खाना बोलते हैं,
तो एक बड़ा खाना बराबर एक एकक, इसमें एकक मानना है। अब आपको ये यहाँ देखना माइनस दो और आठ, तो अक्स का मान माइनस दो, अक्स वन लाइन पे माइनस दो आएंगे तो ये यहाँ है, यहाँ चिन्ह नहीं लिखाना है केवल यहाँ आ गए हम। उसके बाद प्लस का मान आठ आ रहा है, यानी वाई वाली रेखा पे प्लस आठ देखना है, तो वाई वाली पे हम लोग माइनस दो के बाद में यहाँ से घूमेंगे आठ इधर जाएंगे, जिससे इसको हम और आगे बढ़ा लेंगे। ये छः सात और ये आठ हो जाएगा, तो माइनस दो से आठ गिनेंगे तो सीधा यहाँ आएंगे, यहाँ पे गोला लगा दोगे और इस पर माइनस दो और आठ लिख दोगे। उसके बाद दूसरा माइनस एक और सात है, ऐसे ही माइनस एक यहाँ गया एक्स का मान और प्लस का मान सात आ रहा है वाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक और सात। इसी तरह से जीरो और माइनस का एक पॉइंट दो पाँच, इसको देखें जीरो एक्स का मान जीरो है तो यही रहेंगे हम, वाई का मान माइनस का एक पॉइंट दो पाँच है तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे दस लाइनें होती हैं, दस लाइनें जिसमें हमें क्या करना है चौथा हिस्सा लेना है, क्योंकि पॉइंट दो पाँच है, दस लाइन है उसका पॉइंट दो पाँच बनाएंगे, पॉइंट दो पाँच यानी पॉइंट था है तो एक बट्टा चार, उसका एक बट्टा चार गुना दस कर देते हैं हम, दो पॉइंट पाँच, दो पॉइंट पाँच। आपको दो पॉइंट पाँच लाइन और लेनी है माइनस, पहले दोबारा देखिए जीरो तो है ही और माइनस का आ रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे वाई का मान, तो एक तो आ गई यहाँ पे और अब यहाँ पे दो पॉइंट पाँच लाइन लेनी है, दो लाइन पूरी गिनो और फिर पॉइंट पाँच आ रहा है तो दो और तीन के बीच में दर्शा दोगे। इस तरह से इसके अंदर लाइनें होती है दस लाइनें, तो एक के बाद में एक दो और ये तीसरी के बीच में यहाँ लगा देंगे हम, यहाँ गोला लग जाएगा अपना और इस पर लिख देंगे जीरो और माइनस का एक पॉइंट दो पाँच। इस तरह से एक और तीन को दर्शा दोगे, प्लस का एक ये और प्लस का तीन ये, एक और तीन ये फिर हो जाएगा, और तीन और माइनस एक है तो पहले प्लस का तीन है और फिर माइनस का एक यहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे तीन और माइनस का एक। इस तरह से एक छोटा सा चैप्टर था अपना निर्देशांक ज्यामिति। अगली प्रश्नावली हमारी चौथी आ रही है, उसमें भी समीकरणों को हम इस ग्राफ में हल करेंगे, उसमें आप लोग इन्हीं का यूज करोगे, जिस तरह से ये निर्देशांक दर्शाए ना वैसे ही आपको समीकरण के निर्देशांक दर्शाने हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।